जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 12वीं पास करने के तुरंत बाद आप भारतीय वायुसेना कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इंडियन डिफेंस सेक्टर में जॉब पाना, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए एंट्री की। दोस्तों 12वीं यानी 10+2 के बाद इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए केवल एक ही एंट्री होती है और वह है एनडीए एंट्री। एनडीए एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में दो बार कंडक्ट कराए जाते हैं और इसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं यानी 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना जरूरी है, यानी कि केवल साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ही एनडीए एग्जाम में एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनडीए का फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 15.5 से 18.5 साल के बीच होनी चाहिए और ज्वाइनिंग करते समय 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक 1 साल लग ही जाते हैं और इस एग्जाम में लड़के तथा लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो अगर कैंडिडेट 12वीं यानी 10+2 में पढ़ रहे हैं या फिर 10+2 पास कर चुके हैं तो वे इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में दो बार दिसंबर जनवरी और जून जुलाई के महीने में आती है और इसमें अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले एंट्री की और वे हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एंट्री, जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में नॉन कमीशन ऑफिसर यानी एयरमैन बनते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने नॉन कमीशन ऑफिसर को दो ग्रुप में बांट रखे हैं, जिसमें टेक्निकल ट्रेड को एक्स ग्रुप और नॉन टेक्निकल ट्रेड को वाई ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं और ये एग्जाम इंडियन एयरफोर्स द्वारा साल में दो बार कंडक्ट कराए जाते हैं। अब अगर मैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो सबसे पहले कैंडिडेट का उम्र 16 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स ग्रुप के लिए 12वीं में 50% मार्क्स होनी चाहिए और इंग्लिश में 50%। साथ ही साथ 12वीं में फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, यानी कि एक्स ग्रुप के लिए केवल साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह वाई ग्रुप के लिए 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी है और इंग्लिश में 50%। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास किए हैं और जिन्होंने भी 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, वे भी एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रहे कि ये एंट्री केवल अनमेरिड मेल कैंडिडेट के लिए ही होते हैं। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन साल में दो बार दिसंबर और जुलाई में निकलते हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट airmanselection.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरे और अंतिम एंट्री के बारे में, जिसके थ्रू आप 12वीं के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वे हैं एयरफोर्स रैली भर्ती। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स समय समय पर वाई ग्रुप के कुछ ट्रेड जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स पुलिस आदि के लिए अलग अलग राज्यों पर रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं, जिसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद भी आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। To change up.